उड़ना चाहेंगे। ये तो है कोई उड़ने वाली चीज़ है, अभी घर जाके पता चलेगा आपको केस। ओहो ओहो पंगे ले रहे हैं ये। वाह भाई चेक करो, मजा आ गया यार, ये वाइट लकी है। चलो बाहर निकलो, रोमियो बाहर आ जाओ जल्दी। शबाश, ये लो भाई। ये क्या बना दिया यार तुम्हें, ये किसने कटिंग करवाई है? बाबा ने। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, रोमियो को मैंने अभी बाहर निकाला है। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि कल हम इसके लिए फीमेल लेने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हमें वाइट कलर की फीमेल मिल जाए। अगर वाइट ना मिले तो हम ब्लैक लेके आ जाएंगे। तुम ही बताओ तुम्हारे लिए किस कलर की वाइफ लेके आए। हम अपने सेटअप एक नया परिंदा लेके आने वाले हैं जिसकी हमारे सेटअप में बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर वो नहीं होगा तो हमारे सेटअप में नई चीजें नहीं आएंगी। अभी आप लोग गेस कर लें, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। तो माशाल्लाह से यार हमारा पौधा काफी बड़ा होता जा रहा है, इसको मैं रोजाना वाटरिंग करता हूँ। ये देखें अभी भी इसको पानी डाला है मैंने। तो यार पिजन सारे यहाँ पे बंद है, और इनको सुबह के टाइम मैंने खोला था लेकिन अभी इनको मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि अभी हम नया परिंदा लेने जा रहे हैं, तो पीछे इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वापस आके ना मैं इनको खोलूंगा अगर टाइम बचा तो। अब ये वाला पिंजरा भी खाली पड़ा है तो इसका भी कोई इंतजाम करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा हुआ है, मैंने सोचा है कि हम यहाँ पे हाई फ्लायर पिजन्स को छोड़ेंगे लेकिन नीचे हम एक कॉलोनी बनाएंगे, और वो कॉलोनी में भी आपको नहीं बताता, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा। ये आप सबके लिए सरप्राइज है। ओके यार जल्दी से मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने शेरू की अपडेट देता हूँ। इसको मैं प्यार से शेरू बोलता हूँ लेकिन इसका नाम है चिंकी। आ जाओ भाई, ये देखे मेरे हाथ पे भी ये बैठता है और बिल्कुल ये मुझे तंग नहीं करता। क्यों भाई, तुम्हारी तारीफें कर रहा हूँ। चलो जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। और ये हमारे 3 मासूम से चूजे बच गए हैं। अब अल्लाह करे यार ये ठीक से पल के बड़े हो जाएं। यार पिजन्स आपको मैं बाहर से अभी दिखाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, मगरिब होने वाली है, शाम के 6 बज रहे हैं, 7 बजे तक मगरिब हो जाती है तो जाते जाते भी टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी से मैं आपको थोड़े से दिखा के फिर हम निकलते हैं। तो भाई सीन कुछ इस तरह से है कि इसके साथ जो है ना इसका पेड़ लग गया है और ये इंशाल्लाह अंडे देने वाले हैं, और ये एक नया सीन इनका खुला है। ये देखें साथ साथ उसके पीछे चले गए, वो भाग गए साथ जाके बैठे हैं। इस जगह को हटा के ना सारी डोलियां अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं उस जगह पे, ताकि अपनी ब्रीडिंग वहाँ पे अच्छी तरह से कर सकें। ये जगह जो है ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही और कबूतरों को भी अच्छी नहीं लग रही। बहुत ही जल्द ये काम होने वाला है, बस थोड़े सा वेट कर लें आप तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं और ये देखें ये हमारे बजीज माशाल्लाह से सारे अपनी डोलियों में बैठे हुए हैं, और समझ नहीं आ रही कि इनके अभी तक बच्चे क्यों नहीं निकले। एक दो दफ़ा आवाज़ें आई जिसके बाद आवाज़ ही नहीं आई। मैंने एक ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाली वीडियो बनाई थी, वो आज से तकरीबन 1 मंथ पहले, उस टाइम इन्होंने अंडे देना स्टार्ट किए थे लेकिन अभी तक बच्चे नहीं निकले। बड़ा अजीब सीन हुआ पड़ा है यार, अभी देखेंगे हम 2-3 दिन तक मैं ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा, इनकी अपडेट जो होगी ना वो आपको दूंगा। तो चलो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं निकलता हूँ और आपको शॉप पर जाके मिलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको प्यारे प्यारे बर्ड्स भी दिखाऊँगा और लेके भी आएंगे, तो वो दिखाऊंगा कि क्या हम लेके आएंगे। तो चलिए निकलते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ शॉप पे, यहाँ पे ये बजीज वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे सारे पिजन्स हैं, बाहर सारे परिंदे हैं। चेक करो माशाल्लाह यार, मेरा दिल कर रहा है कि इनकी एक कॉलोनी बनाई जाए। बहुत प्यारे कॉकटेल है यहाँ पे। भजन इसकी रेट वगैरह बता दें कॉकटेल के। कॉकटेल 3500 का पेयर, और यहाँ पे ये वाइट कॉकटेल हैं, ये ब्लैक हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में? ये 4500 रुपये का पेयर है, ये अच्छा। वाइट के हैं और ये ग्रह वाले हैं, ये 3500 रुपये का। अच्छा इनका रेट कम है इनके मुकाबले में। अभी मैं सोच रहा हूँ, मुझे कलर के लिहाज से ये वाले प्यारे लग रहे हैं क्योंकि ये जो है ना इनका कलर बहुत प्यारा है। और यहाँ पर ये फिंचेस पड़ी हुई हैं मेरे ख्याल से, ये कौन सी फिंचेस हैं? स्ट्रॉबेरी फिंच। इसका पेयर कितने का मिल जाएगा? 800 का पेयर है स्ट्रॉबेरी फिंच। यार इनकी कॉलोनी हमने बनानी है। ओ यार ये चेक करो यार, ये कोई नई चीज़ लग रही है मुझे। बंगलाइज चिड़ी है, बंगलाइज चिड़ी छोटी जो है तो ये वाली, ये चेक करें ये भाई बहुत प्यारा कलर है। इसका पेयर कितने का मिलेगा? इसका पेयर 2000 रुपये का। ये तो अभी अकेली लग रही है, सिंगल है ये। नारे मादा है? ये नारे। अच्छा नारे, अकेला बेचारा हमारी तरह सिंगल। और यह भी सारे बजीज वगैरह हैं, ये दूसरी फिंचेज हैं, ये मैंने उस दिन मंडी में भी देखी थी। इनका पेयर कितने? शाहनवाज इसका 500 रुपये का। 500 का पेयर होता है यार, ये रात करने के लिए ले लूँगा, स्वाब मिलता है। क्यों भाई ठीक है, ये फेलो यार, एक टाइम में इनका रेट इतना हाई हुआ करता था।
अभी पता नहीं कितने का मिल रहा है, अभी 800 रुपए का पेयर है, अभी 800 का मिल रहा है। हम जब हम लेते थे ना उस टाइम ये 2000 का पेयर होता था, और इनसे ही हम लेके जाते थे, इनकी उधर इत्मान चौक में शॉप थी वहाँ से लेते थे हम। बाकी यहाँ पे ऊपर वाली ये भी शनवाद, इनके दब्बे नहीं पड़े हुए ना, बच्चे हैं। अच्छा बच्चे हैं छोटे, वाह भाई ये कितने का देंगे? ये वाले आपको 400 का पड़ेगा। यार बच्चे तो ज़्यादा प्यारे हैं उनके, उनसे बड़े भी हैं थोड़े थोड़े ऐसे लग रहा है। वाह भाई चेक करो, मज़ा आ गया यार। ये वाइट लकी हैं, ये पता नहीं ब्राउन वाले हैं। अभी यहाँ पे एक ब्लैक टेल लकी था जो मेरे सामने सेल हुआ है, वो मिलने नहीं वाला था लेकिन वो पहले ही सेल हो गया। यहाँ पे देखो ये मुझे पेड़ लग रहा है पूरा, ये सारी वाइट डब्स हैं। अभी हमने यहाँ से एक परिंदा भी उठाना है, वो मैं आपको घर चल के बताऊँगा कि आज हमने क्या लेना है। और ये फैंसी चूज़े लग रहे हैं मुझे, ये कौन सी ब्रीड है? ब्राउन शराजी, कितने का पेयर? 1500 का पेयर है। और ये वाला, ये कौन सी ब्रीड है? ये कितने का मिल जाएगा? 2000 के दोनों मुर्गे। यार इसके साथ मादा है ही नहीं, अगर मादा होती तो हम ले सकते थे ये। यार मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत प्यारी चीज है, ये देखें, ये ब्लैक लकी बंद है। ये कलर चेक करें भाई, कितना मजे का कलर है यार इनका, ये देखें। ओहो पंगे ले रहा है ये, फाइटिंग सारे मेरी उंगली के पीछे आ रहे हैं। ये दरवाजा तोड़ देंगे भाई, जितना ये जोर लगा रहे हैं ना, ये देखो खुलने वाला है दरवाजा। यार हमारे चूजे जो है ना, तीन बचे हैं माशाल्लाह से, 8 लेके आए थे हम इनमें से, और 3 चूजे ही बचे हैं। पर अभी अपने काम की चीज़ लेते हैं यहाँ से और जल्दी से निकलते हैं, फिर उसको हमने घर जाके छोड़ना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। साहब ये चेक करो यार, यहाँ पे कितने प्यारे कबूतर हैं, मज़ा आ गया यार इनको देखे। ये गुब्बारा नस्ल इसको बोलते हैं, और इनके मुँह में अगर हवा डालें ना तो ये फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, ऐसा मैंने सुना है, आज तक करके देखा नहीं है, पता नहीं इसमें क्या सच। चेक करो भाई, चेक करो, ये त्रोड़े वगैरह में डाल के दे दो। हाँ ठीक है, ये इसमें डाल दो। बस हाँ ऊपर से बंद कर दो, उड़ना जाएगा। ये तो है कोई उड़ने वाली चीज़ है, अभी घर जाके पता चलेगा आपको कि इसमें क्या है। तो भाई हमारा नया मेहमान आ चुका है, और अभी हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं। कल हमने यहाँ पे कमांडो और उसकी फीमेल को बंद किया था, ये देखो जरा कमांडो के काम, अपनी पुरानी फीमेल को लेके यहाँ पे मजे से बैठा हुआ है। समझ नहीं आ रही कि यार मैं इसका क्या करूँ, हमेशा ऐसे ही करता है, भाग के फिर अपनी पुरानी फीमेल के पास चला जाता है। मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की अज़ान स्टार्ट होने वाली, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या चीज लेके आया हूँ। फ्री टाइम से मैं आपको बोल रहा था कि हम इनके लिए एक मेल लेके आएंगे, क्योंकि अंडों में से बच्चे नहीं निकालती, तो आज जो है ना इनका, इन दोनों फीमेल का एक हम मेल लेके आए हैं। दो मादा के लिए एक नर आएगा। और यार तुम लोगों ने क्या शोर शुरू किया, चुप करो बिल्कुल चुप, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए अभी, चुप। इनको कैसे चुप कराऊं यार, एक दारा करो ऐसी। ये सच में इतनी प्यारी है ना, मेरा मतलब प्यारा है, अल्लाह करे यार ये नारी हो, क्योंकि उनको भी हम एक नर और एक मादा समझ के लाए थे, लेकिन वो दोनों मादा निकल आई थी। अभी इसको आप लोग गौर से देखें और बताएं कि ये नर है या मादा। और वही हमारी एक डब जो है ना वो थोड़ी वाइट थी, और दूसरी डब हमारी थोड़ी ब्राउन थी, तो मैं जो नर लेके आया हूँ ना ये ब्राउन भी है और वाइट भी है। अब तो यार इनका कोई झगड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के साथ दोस्ती कर पाएगा, और दोनों के साथ ये पेयर लगा के ना फिर अंडे बच्चे वो देंगी। तो इसको जो है ना मैं अपनी नई फैमिली के पास छोड़ देता हूँ, चलो जाओ देखते हैं यार ये क्या करते हैं, दोस्ती वगैरह करते हैं या नहीं। जाओ शाबाश, ये लें गाइस, हमारा न्यू डव जो है ना अपनी फैमिली के पास चली गई है, और अभी तक कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि यार अभी तो आई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, अपना जो उसका नया घर है उसको पहचानने में, तो थोड़े टाइम बाद ये एडजस्ट हो जाएगी ना, फिर इनका पेयर लग जाएगा। अभी थोड़ा सा दूर दूर होके बैठे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब आप देखेंगे इनके साथ इनका पेयर भी लगा हुआ होगा, और ये इंशाल्लाह 2-3 दिन तक अंडे भी दे देंगी, क्योंकि यार डब बहुत जल्दी अंडे देती है, 3-4 दिन लगाती है और अंडे इनके आ जाते हैं। फिंचेस हाउ आर यू, तुम लोग कब अंडे दोगी, कब दोगी? खैर मेरी भी गलती है यार, मैंने अभी तक इनका नया बड़ा सेटअप नहीं बनाया, 2-3 दिन तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे इनका बड़ा सा एक कॉलोनी बनानी है जहाँ पे ये अपनी अच्छी ब्रीडिंग कर सकेंगी। लकी को देखें कैसे बोल रहे हैं मजे से, और हमारा कमांडो जो है ना फिर से चला गया यार, इस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यार हमारी डक भी अकेली हो गई है, लेकिन
टेंशन नहीं लेनी क्योंकि 2 या 3 दिन तक हमारी न्यू डक आ जाएगी और उसको हम फीमेल लेके आएंगे, इसके साथ पेड़ लगाएगी तो कितना मजा आएगा यार, क्योंकि हमने एक प्यारी सी फीमेल लेके आनी है इसके साथ पेड़ लगाने के लिए। तो भाई टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारी फीमेल आने वाली है इंशाल्लाह। जुमरात को मंडी जाएंगे और वहां से इसके लिए फीमेल लेके आएंगे, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, उसका प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा, आप लोगों ने जरूर देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। अभी तक नीचे बैठा हुआ है लेकिन खैर हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं चला अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।